हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द गेम प्लीज गाइस। तो हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, एंड ये है माइनक्राफ्ट का सीजन 5। तो गाइस आपको लास्ट वाले एपिसोड में जैसे याद होगा कि मैंने बहुत अच्छा एकदम यार ब्यूटीफुल सा मैंने शुगरकेन फार्म बनाया था, ऑटोमेटिक था वो, एंड वो इतना मस्त वर्क कर रहा है ना, अभी एक नंबर गजब फार्म लग रहा है वो। तो अगले गेम पे चलूंगा मैं, तब दिखाऊंगा है ना आज के वीडियो में होने क्या वाला है। टाइटल नाम ले तो पता लग ही गया होगा, तो बाकी की बातें गेम पे चल के करते हैं। और राइट गाइस, तो हम लोग गेम के तत्व आ गए हैं, एंड यार विद दी शेडर्स में माइनक्राफ्ट अच्छा ही दिखता है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, लेकिन मेरा बार बार बोलने का ही मन करता है, एंड आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरे FPS मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, बट ठीक है सह लेंगे थोड़ा सा, ये अगर शेडर्स लगा के खेलने तो FPS का तो त्याग देना ही पड़ेगा। लग ले ये तो हम बोलोगे आधी लाइट जलनी है आधी नहीं चलनी है, तो ये पूरी लाइट तब जलती है जब होता है यहाँ पे रात, क्योंकि लगे हैं डे लाइट सेंसर पे जैसे जैसे पड़ता जाता है ना रोशनी, वैसे वैसे ये कम जलने लगती है, एंड जैसे जैसे रोशनी ज़्यादा वैसे वैसे ये ज़्यादा जलने लगती है, सिंपल। फिर अगले हाँ मैं दिखाने आया था ये, जो कि अभी बहुत अमेजिंग है, मैं ज़्यादा देर तक हुआ नहीं हूँगा। इस पर 100 पिस्टन, 100 एब्जॉर्बर, 100 जगह मतलब ऐसा शुगर केन लगे हैं, एंड ये गेट बंद करना भी बहुत मतलब एकदम ही अमेजिंग है। फिलहाल के लिए मेरे को बनाना है अपना आज का गन पाउडर फार्म। फिलहाल के लिए मैं गन पाउडर फार्म बनाने के लिए क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले तो इसको फिनिश करूँगा, क्योंकि ये ना ये मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था, एंड इसकी वजह से यार बहुत लोचा हुआ था। लकली मैंने मेरा सारा सामान जो भी लगेगा उसके लिए वो मैंने कलेक्ट करके रखा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैंने एकदम बिल्कुल मैं सब कुछ तैयारी करके रखता हूँ कि मैं आऊँ एंड वीडियो जल्दी से बनाऊँ। लकली मैंने यहाँ पे अपना एक फ्लिंट एंड स्टील रखा था, देखा मेरे को याद है भाई, मैं सब कुछ याद रखता हूँ, बिकॉज क्योंकि यू नो मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी बोल जाऊँ। लाइकली मेरे पे फूड की भी आज थोड़ी सी कमी है, तो मेरे को जाके फूड भी लेना पड़ेगा। फिर से मार देगा, ओके जस्ट देन भाई इतनी बड़ी रवीन मेरे घर के पास। गाइस कमेंट इट डाउन राइट नाउ, अगर तुमको यहाँ पे कुछ चाहिए तो, यहाँ पे अगर तुमको कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो, व्हाट द हैक, मेरे घर के नीचे इतनी बड़ी रवीन, मुझे अभी तक नहीं पता है। स्पाइडी स्पॉनर मिल गया, एंड वो चेस्ट है ना, सॉरी छोड़ दे भाई यहाँ पे। ओके ओ फीदर फॉलिंग 4, मेरे बूट पे क्या लगा है फीदर फॉलिंग 4 यार, मेरे को स्विफ्ट स्नीक लगाना था यार, स्नीक मतलब क्या कहते हैं उस वो एंचैंटमेंट है ना, ऐसा स्नीक करके भी आप तेज भाग सकते हो। तुम लोग को अगर पता है यार तो कमेंट करो प्लीज़, मैं पहले यहाँ से बाहर निकलता हूँ। ओके आई थिंक आई विल गॉट दे, ओके भाई देखो चाहे जितना ही मतलब अपन रहे लेकिन जहाँ आयरन मिलता है वहाँ मैं माइन करता हूँ, क्योंकि एक मिनट मैंने एक सिल्क ट्रस से कर लिया यार। चलो भाई सा आयरन, व्हाट द हैक भाई साहब, मैंने तो ज़रा सा माइन किया था। गाइस अभी जाओ एंड वोट करो कि तुम्हें शेडर्स वाले गेम ज़्यादा पसंद है कि विदाउट शेडर्स वाले, है ना। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे ऐसा काव मिलेगी, क्योंकि मेरे को तो बीफ चाहिए था, एंड मेरा पक्का वीडियो भी लैग कर रहा होगा। थैंक यू भाई, 15-15, 16-16 FPS क्यों आ रहे हैं, इतना क्या मेरा कंप्यूटर रो रहा है आज। ओके वहाँ पे थोड़ी सी आग लगी पड़ी है, लाल के लिए वहाँ पे भी मैंने आग लगाया था, वहाँ पे मुझे खड़ा रहना चाहिए था। अभी देखो मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट शेडर्स मुझे ज़्यादा माइनक्राफ्ट पसंद है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग खेलते हैं। एंड हाँ यार तुम लोग अगर प्लीज़ देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि लाइक तो ज़रूरी है, मेरी रीच बढ़ेगी यार कम से कम। एक मिनट क्या मैंने पीसफुल पे करके रखा है, आई एम सॉरी गाइस, मैंने ये पीसफुल पे क्यों किया था, हाँ मैं थंबनेल के लिए फ़ोटो ले रहा था कल के लिए। हाँ मेरे को जाना है यहाँ पे, एंड जो भी दिख रहा है सब कलेक्ट कर लूँ क्या करें, एंड मुझे यहाँ पे बनाना है ना वो चीज़। तो यहाँ से मैं जाऊँगा मिनिमम लाइक यहाँ से, तो ये है ना मिड ब्लॉक देखी जाए तो यही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ यहाँ पे बनाएंगे हम लोग। एंड तो सारा सामान लाते हैं जल्दी से, कुछ नहीं पहले स्टोन ब्रिक लाना है, फिर स्टोन ब्रिक स्लैब्स लाना है, और नथिंग एल्स। ऑल राइट गाइस, यार मैंने मतलब ऐसा सामान तैयार करके तो ले आया हूँ, एंड यार ये देख रहे हो इस पूरे स्ट्रीट्स को ना ऐसा ग्रीन होने देते, जैसे ये ग्रीन है बिल्कुल एकदम ही बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे तब अच्छा भी लगेगा।
ग्रीन करके देखते हैं, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो चेंज कर देंगे बाद में। फिलहाल के लिए रात हो गई एंड मुझे रात से तो कोई परवाह नहीं है। हाँ बहुत परवाह है भाई, इतना परवाह है कि मैं जा रहा हूँ सोने। एंड सबसे अच्छी बात बताऊँ तो मेरे पास बेड भी नहीं है, सॉरी गाइस। ऑल राइट गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड यार मैं सो के तो उठ गया हूँ एंड मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। एक कस्टम बेडरूम बनाना है मुझे यहाँ पे, बट मैंने नहीं बनाया। एंड हाँ, मेरे हेडफोन्स कैसे लग रहे हैं, ये नए हैं। एंड कुछ लोग को पता होगा कि हाँ तंगी चल रही थी हेडफोन की, लेकिन अभी मैंने ले लिया है फिलहाल के लिए। यस 10 ब्लॉक ही हो गए ना। अभी देखो यहाँ से बिल्कुल ही प्रॉपर एक बनाना है मेरे को, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करने दो मुझे, ठीक है। 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है 5 तक आए, फिर 6 तक आओगे तुम, फिर 1, 2, 3 पे आके 2 कर दोगे, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वहाँ पे भी 6 थे, ठीक सेम इधर बनाना है, बट 1, 2 ब्लॉक छोड़ के ऐसे आओगे 1 एंड 2, देन 1, 2, 3, देन 1, 2, 3, 4, 5, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 समझे, समझा नहीं समझा, अभी देखो 1, 2, 3 एंड देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभी इसको ऐसा 3 हाइट ऊपर ब्लॉक करना है, तो यानी कि 1 हो गया है, बाकी के 2 जो है ऐसा स्विफ्ट स्निकिंग मेरे को लगाना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, तो यार ये जो क्रीपर वाला फार्म है, मैं सोच रहा था थोड़ा सा मैसिव बड़ा वाला क्रीपर फार्म बनाऊंगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट क्रीपर फार्म है आज तक का। मैंने जितना भी क्रीपर फार्म बनाया ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। अभी इसके बाद क्या करना है कि मुझे बनाना है एक स्लैब, मतलब स्लैब के स्टोन भी बनाने हैं, लेकिन उसके लिए जो है ना क्राफ्टिंग टेबल लगेगा, एंड क्राफ्टिंग टेबल तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे पास है क्या, वुड। वुड से मैं बना सकता हूँ स्लैब्स, यू नो 1, 2, 3 एंड देन कुछ बुझगू, गिरने दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फिलहाल के लिए। फिर ये फेंक दो ना यार, ये फेंक दो ना भाई, चाहिए मेरे को। ओके देन मुझे उड़ना पड़ेगा क्या, मतलब इतनी सी जगह के लिए मैं उड़ रहा हूँ। ओके देन ये देख लो 2 हाइट के बाद तीसरे हाइट के ब्लॉक के नीचे वाले पे ऐसा तुमको लगाना है। मैं एक आउटलाइन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगाना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एंड देन ये पूरा एक स्क्वायर है, ओके ऑलराइट गाइस सब डन है। फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हो गया। देन ये देखो यहाँ से गिरेंगे यहाँ पे आएंगे, बट ये भी तो अच्छा दिखना चाहिए ना। मैं इस बार बिल्कुल ही छोटा बनाने वाला हूँ, ज़्यादा ना बड़ा ज़्यादा ना छोटा। अभी F3 दबाओ एंड ये है लेवल 59 पे। ओके तो मैं ऊपर तो आ गया हूँ एंड मुझे क्या करना था मैं बताता हूँ इसके बाद, कि मुझे ऐसा ये जो देख रहे हो ये इतना जो मैंने खाली किया है, फिलहाल के लिए मैं मेरा लेवल जो था वो 59 था, ये तुम लोग को याद रखना है, डोंट फॉरगेट दिस। कोई बात नहीं मैं उड़ जाऊँगा। हाँ एंड मुझे देखो एंट्रेंस, अब मेन चीज़ आती है एंट्रेंस, तो एंट्रेंस बनाने के लिए व्हाट शुड आई डू डैट, कि मैं जाऊँगा इधर एंड मैं हक दूंगा, क्योंकि मैं तो भूल ही गया था कि मैं हकने में नंबर 1 हूँ। इसके नीचे कोई लैंड है ही नहीं, तो हाउ कुड आई मेक दी एंट्रेंस, जो मेरे माइंड में आ रहा है अभी। ऐसा नीचे जाके ही नहीं होगा, हाँ भाई इसको बंद कर देना था, ऊपर से कर देंगे। फिलहाल के लिए मुझे क्या करना है कि ये देख लो यहाँ पे अभी आके मरेंगे, पूरा ये सोच लो कि यहाँ पे अभी आके मरेंगे वो लोग, हम लोग अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये देख लो ये एक ब्लॉक का डे, ये है मेन एंट्रेंस। सो व्हाट शुड आई डू डैट, कि यहाँ से मुझे स्टेयर्स बनानी है ना, तो यहाँ से पहले तो ये सारी चीज़ें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये जितनी चीज़ें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो दो चीज़ें हैं इनको ऐसा रिप्लेस करना है मुझे स्टोन ब्रिक्स से, एंड ये जो वॉल्स है ना साइड में इनको भी करना है। डन ये हो गया एंड देन सेम इधर भी करना है। आई हेट दिस जब ये ब्लॉक एक दूसरे में ऐसा लग जाते हैं, आई रियली हेट दिस। फिलहाल के लिए इसको बस ऐसा लुक अच्छा करने के लिए मैं ये लगा रहा हूँ, वरना कोई नेसेसरी नहीं है। हाँ ये देख लो एक अच्छा सा लुक आ रहा है, अभी लुक तो आ रहा है बट क्या ना ये
डायरेक्ट ओपन कर जाएगा, यानी कि मेरे पास एक ही लेयर है, समझ गए, ये एक ही लेयर है मेरे पास, यानी कि मुझे इसको ढकना पड़ेगा एंड मुझे इसको भी ऐसा ऐसा पूरा कवर करना है। हाँ हाँ फाइनली हो गया। एंड देन ये ओके, देन मुझे लगाना चालू करना है यहाँ से एंड देन ऐसा, समझ गया। ओह वाओ, ही लिटरली आई एम गुड इन दिस यार, मैं माइनक्राफ्ट अच्छा खेलता हूँ ना। ओके देन फिलहाल के लिए मुझे स्पॉन्स तो है नहीं मेरे पास, तो मुझे एक एक ब्लॉक का पानी ऐसा डाल डाल के सुखाना पड़ेगा, समझ रहा है तू, समझ रहा है। बेटा अब नहीं आना चाहिए भाई, ये मेरी गलती नहीं है भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये मेरी गलती नहीं है। तो बताऊँ मैं यहाँ का पानी रोकता हूँ तो वो फिर पानी आ जाता है, यानी कि मुझे इसको जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ, तो जुगाड़ हुआ वो अपन सब इसकी वजह से हो रहा है। अभी देखो ये चारों तरफ से कवर है, अब इसमें पानी आ नहीं सकता, अब आना अब बोलू ना आए उसको। सी एंट्रेंस के साथ ही मेरा सारा काम हो गया फिनिश, जो भी एंट्रेंस बननी थी वो मैंने बना लिया है, बट इसमें थोड़ा सा अभी भी चेंज करना है। हाँ थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना यार, ऐसा ही छोड़ देगा तो कैसा चलेगा। नाइस, बट 3-4 देन ये 1-2-3-4 देन फिर ये, वॉट मेरे पास ब्रिक खत्म हो गए, आई हैव स्लैब्स। ओके 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 इट्स डन, इट्स प्रोबेबली डन है ना। मैं इस पर थोड़ा सा डेकोरेशन कर दूंगा। अभी मेरा कॉन्सेप्ट इस बारी थोड़ा अलग है कि क्रीपर आएंगे एंड डायरेक्ट यहीं पे गिर के यहीं पे मर के यहीं पे से मेरे को आ जाएगा, सिंपल है ना। तो उसके लिए मेरे को चाहिए बहुत सारा हॉपर, अभी कारपेट, चेस्ट, मैग्मा ब्लॉक एंड फेंस गेट एंड कैट्स जो मैंने टीम करके रखे हैं वो। हाँ बहुत सारा काम है, तो फिलहाल के लिए मैं ले आता हूँ, सबसे पहले हॉपर लगा देता हूँ एंड उसके ऊपर कारपेट एंड चेस्ट, मतलब कलेक्टिंग सिस्टम वाला काम कर लेता हूँ मैं। और राइट गाइस, तो सुबह तो हो गई है एंड या सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं जरा सा उड़ के जाऊँगा अपने क्रीपर फार्म की तरफ। भाई यहाँ पे अतहा आएंगे बच्चे, यहाँ पे बच्चे अतहा स्पॉन होंगे, क्योंकि भाई ऊपर से प्लेन ही रहा है ना, बेस्ट बनने वाला है, बेस्ट फॉर एवर बनने वाला है। एंड मेरे FPS क्यों फ्लक्चुएट कर रहे हैं मैन, आई डोंट नो व्हाट टू डू। ओके देन देखो मैं कारपेट एक ही लाया हूँ बस ऐसा टेस्ट करने के लिए, वरना कारपेट मेरे को पूरे लगाने हैं। अभी देखो 4 और 5 समथिंग 1-2-3-4 हाँ 4 लाने हैं। एंड जो ये है ये इसको ऐसे लगाना है, यहाँ पे शीशा लगता वो ज़्यादा अच्छा था, बट मेरे को और का मैग्मा ब्लॉक लाने दो ठीक है। एंड नहीं यार मैग्मा ब्लॉक और नहीं चाहिए, बस वहाँ पे पानी डालना है, बस देख रहो यहाँ पे पानी डालना है एंड एक वहाँ पे पानी डालना है। तो उससे क्या होगा कि मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्या होगा, मैं एक जो सामान आएगा उसमें, अरे मैं तो पानी लिया था ना, चलो वापस आ जाओ। एंड देन ये देखो एंड दूसरा जलो है जो वो यहाँ पे, जिससे अगर मैंने इसमें ये डाला इसको तो ये इधर शिफ्ट होके आएगा ठीक है। अभी फिलहाल के मुझे क्या करना है कि 1-2-3-4 मैं क्रीपर से थोड़ा सा जितना ही दूर होके रहूँगा वो उतने मेरे लिए सेफ रहेगा ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एंड मैं लगाऊँगा यहाँ से चेस्ट ठीक है, लाइक 1 एंड 2 एंड देन जो है मैं लगाऊँगा यहाँ से हॉपर्स। अरे ये यहाँ पे किसने लगा दिया, मैंने तो नहीं लगाया भाई। अरे ये देख लो एंड ये बहुत सही वर्क करेगा यार, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत अच्छा वर्क करेगा,
इससे सही वर्क करते हुए मैंने देखा नहीं होगा, ये मेरा खुद का मैकेनिज्म है। सबसे अच्छी बात मैं बताऊं तो ओके, अभी देखो मैं पानी से सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। प्लीज 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 गॉड, यस यस यस, हो गया भाई आ जाएगा, हो गया भाई हो गया। ए, 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 ए। अभी ना वो इधर आ पाएगा ना जा पाएगा, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ग्रे कारपेट लगा दूंगा तो वो पता भी नहीं लगेगा। मैं ग्रे कारपेट ले लेता हूँ बस, एंड फिर मेरे को कैट्स रखनी है एंड देन इट्स डन। फिलहाल के लिए ना थोड़ा सा यू नो, हाँ अब सही है, तो मैं कैट्स रख के मिलता हूँ क्योंकि कैट्स तो मैंने टीम कर रखी हैं। एंड या मुझे पता था यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, मुझे पता था ये चीज़। इट्स डन, यहाँ पे अंदर कैट्स ला के रखनी है एंड एक AFK पॉइंट बनाना है। इट्स सो सिंपल, बना के मिलते हैं यार। ऑल राइट गाइज, पूरा बन गया है, कम्प्लीटली बन गया है, एवरीथिंग बन गया है। ये AFK फार्म पे मैं बहुत देर से खड़ा हूँ, मे बी बहुत देर तो नहीं, अभी जस्ट AFK फार्म बना ही है एंड मैं बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा स्लो डाउन हो जाते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। एंड हाँ, मैंने थोड़ी सी चेंजेस की है, लाइक ये किलिंग चैम्बर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। ये देखो मैं ज़्यादा पास जाऊँगा नहीं क्योंकि मैंने चाहता कि फट जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फटने से पहले ना, देखो ये फटने से पहले ना ये मर जाएंगे, तो मैं बिल्कुल ही सेफ हूँ। देख रहो एंड ये देख रहो, अटक बहुत सारे रहे हैं यार, ये दिक्कत आ रही है। एंड 54 गन पाउडर बहुत फास्ट है यार, ये तो बहुत फास्ट है। तो बट इसका जो है, इसका जो चेस्ट है वो 59 पे है एंड जो ये चेस्ट है ये तो यहीं पे है, ये क्या है कितने पे, 63 पे है, 59 63, मतलब 63 के नीचे अगर कोई भी वहाँ बनाऊँगा तो उसका कलेक्टिंग सिस्टम मैं 53 से नीचे नहीं रख सकता, ये बात मेरे को ध्यान दे रही है। तो ऑलराइट गाइस, मुझे तो लगता है आज के वीडियो में ये यहीं पे खत्म करनी चाहिए। तो ऑलराइट गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो लाइक हुए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए। एंड भूलना मत, 18 सितंबर को मेरा बर्थडे है तो 2K सब्सक्राइबर करवाने हैं। मे बी वो गोल कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन तुम लोग एक गोल कंप्लीट कर सकते हो लाइक का, कि जितने व्यूज़ हैं उतने लाइक्स हो इस वीडियो पे। तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, फट जाती है भाई वीडियो बनाने में। प्लीज़ बाय। हाँ।